और अब रुख करते हैं बड़ी खबर का। नैनीताल से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की है, पर्यटकों से भी इस दौरान मुलाकात कर सीएम ने बातचीत की है। खिलाड़ियों के साथ में बास्केटबॉल और साथ ही फुटबॉल खेलकर इस दौरान लोगों से मुलाकात भी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि पर्यटकों से मुलाकात कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की है, खिलाड़ियों के साथ में बास्केटबॉल और फुटबॉल खेला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की है। नैनीताल से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटकों से मुलाकात कर इस दौरान बातचीत की है, और इसके अलावा खिलाड़ियों के साथ में भी बास्केटबॉल और फुटबॉल भी खेला है। और यहां पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहां पर लोगों के साथ में फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यानी कि खिलाड़ियों के साथ में, और पर्यटकों से भी इस दौरान मुलाकात की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और बातचीत भी की है। तो खिलाड़ियों के साथ में आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर खिलाड़ियों के साथ में बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते नजर आए हैं सीएम धामी। तो नैनीताल से एक बड़ी खबर, जहां पर सीएम धामी ने इस दौरान लोगों से बात की है और पर्यटकों से भी मुलाकात कर सीएम ने बातचीत की है। तो पर्यटकों से मुलाकात कर सीएम ने बातचीत की है, और आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते नजर आए हैं यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, और यहां पर आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरीके से इन छोटे छोटे खिलाड़ियों के साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ में खेलते नजर आए हैं। और अक्सर अपने इन्हीं सब लगाव को लेकर चर्चा में रहते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और यहां पर छोटे छोटे खिलाड़ियों के साथ में खेलते हुए नजर आए, और साथ ही पर्यटकों से भी मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है। उत्तराखंड जो घूमने आए हैं कि आखिरकार उत्तराखंड में कितना कुछ बदलाव हुआ है और कैसा लगा है उत्तराखंड में, तो तमाम बातों का जिक्र यहां पर किया है, और साथ ही बातचीत की है, हालचाल पूछते भी नजर आए। और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुदीप, अगर बात करें तो अक्सर मुख्यमंत्री को देखा है इस दौरान पुष्कर सिंह धामी को कि बच्चों के साथ में विशेष लगाव, अब जो छोटे छोटे खिलाड़ी भी मुख्यमंत्री को मिले तो उनके साथ में बास्केटबॉल और फुटबॉल भी खेला है, और साथ ही पर्यटकों के साथ में भी मुलाकात की, यानी कि एक अनोखी तस्वीर। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां भी रात्रि विश्राम पर जाते हैं, चाहे वो कटिहार हो, बागेश्वर हो, नैनीताल हो, सुबह सुबह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और सारा काम धाम छोड़ के वो आमजन विशेषकर बच्चों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। यही नजारा आज कुछ नैनीताल जिले में भी दिखा, जहां सुबह कुछ मुख्यमंत्री शहर पर निकले और एक स्थान पर अदरक की चाय बनाई, लोगों से बातचीत की, उत्तराखंड में सुशासन, पारदर्शिता और कैसे बेहतर हो इस पर लोगों से चर्चाएं की। मुख्यमंत्री को मैदान में खिलाड़ियों के खेलने की सूचना मिली, जहां खुद ही मौके पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने बीडी पांडे अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया है और मरीजों से मुलाकात की, कुशलक्षेम पूछा और अस्पताल प्रशासन से कहा है कि व्यवस्थाएं और बेहतर करिए, और जो भी कमी है उसके लिए सरकार तैयार है, आपको जो भी समस्या है, जो भी मदद की आवश्यकता है, हर तरीके से सरकार आपके साथ है। तो मुख्यमंत्री सदैव समय समय पर लोगों के बीच जाके ये साफ संदेश देते हैं कि वो कोई मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक आम व्यक्ति है जो मुख्य सेवक के तौर पर लोगों के बीच में है, क्योंकि यही एक अदा है जो लोगों को उनसे और करीब लाती है, उनको अपना बनाती है। बिल्कुल, और सुदीप जिस तरीके से बात करें, क्योंकि पर्यटकों से मुलाकात की है और आखिरकार इस दौरान जरूर जानने की कोशिश की होगी कि क्योंकि उत्तराखंड को लेकर लगातार विकास भी हमने देखा है मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान, और अब जब पर्यटकों से बात की है तो क्या कुछ इस दौरान उन्होंने बातचीत की है? देखिए पर्यटकों से उन्होंने, जो मेरी उनकी स्टाफ से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सबसे पहले उनका परिचय लिया, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, कितने दिन का आपका कार्यक्रम है, आपको क्या समस्याएं आई, और क्या बेहतर होना चाहिए, इन सारे विषयों पर जैसे आम व्यक्ति पूछता है। ऐसा नहीं कि आप कोई राजनेता है, मुख्यमंत्री है, अहंकार है आपसे, ऐसा कुछ नहीं है मुख्यमंत्री के साथ। उन्होंने बहुत एक आम व्यक्ति की तरह बातचीत की और पर्यटक भी उनसे मिलकर बहुत प्रभावित दिखे कि एक मुख्यमंत्री ऐसे बात कर रहा है जैसे एक आम व्यक्ति है, उनका परिचित कोई व्यक्ति है। तो यही वो चीजें हैं जो मुख्यमंत्री को और उससे अलग बनाती है, और मुख्यमंत्री इस बात को समय समय पर साबित भी करते हैं कि वास्तव में मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य सेवक है।
और सुदीप, अक्सर देखा है कि उनकी यही सादगी काफी लोकप्रिय है, उत्तराखंड ही नहीं, जब उत्तराखंड के बाहर भी जाते हैं तो इस दौरान भी लोग उनसे बातचीत करते हैं, यानी कि एक सादगी जो है मुख्यमंत्री की, वो उनकी लोकप्रियता की वजह। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि पहले उत्तराखंड के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको हालिया लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 200 से अधिक जनसभाएं रैलियां दी, वो उत्तर से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम, महाराष्ट्र से लेकर वो हिमाचल तक गए हैं। हमने पूर्व के भी मुख्यमंत्रियों को देखा जिनको कई सभाएं रैलियां मिल सकी, परंतु इतनी ज्यादा किसी को रैली नहीं मिली। पार्टी ने इनका पंजाब पटियाला में भी इस्तेमाल किया है, जहां भारतीय जनता पार्टी इसकी बेहतर स्थिति में नहीं है। ये साफ तौर पर बताता है कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बहुत ऊपर है। एक सर्वे में कहा कभी उनकी 96-97 रैंकिंग थी, वो 7 के करीब पहुंची है। तो उनका जो व्यवहार है, उनका जो रवैया है, वही उनको औरों से अलग बनाता है। और यही वजह है कि लोग उनकी अपनापन महसूस करते हैं और उनसे बात करने में झिझकते नहीं, अपनी परेशानी सीधे बताते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सभी विद्यार्थी हमारे देश के और हमारे प्रदेश के हम सबके भविष्य हैं, तो मैंने उनसे उनके हालचाल भी जाना और उनकी जो खेल गतिविधियां हैं उसके बारे में भी जानकारी ली है। यहाँ पर रोज चूंकि अनेक प्रकार के खेल यहाँ हो रहे हैं, यहाँ बास्केटबॉल वाले भी हैं, फुटबॉल वाले भी हैं, क्रिकेट वाले भी हैं, अलग अलग खेल खेलने वाले हैं, तो और क्या अच्छा हम लोग कर सकते हैं उनके लिए। उन्होंने कुछ मुझे जानकारियां भी दी हैं, मैं निश्चित रूप से कोशिश हमारी होगी कि जो छोटी मोटी यहाँ की और चीज़ों को करना है और इसका विस्तार करना है, क्योंकि यहाँ सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है, उसको भी यहाँ पर देखा है कि जिससे ये जो हमारा बहुत ही ऐतिहासिक ये स्थान है नैनीताल का, ये खेल मैदान, निश्चित रूप से इसकी जो हमारी विरासत है वो भी बनी रहे और विकास भी आगे बढ़े, बच्चों का भविष्य भी अच्छा बने, बच्चे हमारे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपना नाम रोशन कर, अपने प्रदेश का, अपने माँ बाप का, देश का नाम रोशन करें, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छा, अभी नेपाल के लोग यहाँ पर मिले थे, उनका एक दल योग के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ आया हुआ है और उन्होंने यहाँ के अपने अनुभव साझा किए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी को उन्होंने धन्यवाद दिया कि जिनकी पहल पर आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। सभी चाय बनाई, और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले जिस खबर का हम जिक्र कर रहे थे कि सीएम धामी ने आम लोगों से संवाद भी किया, एक अलग ही पहचान जो है उनकी नजर आती है, अलग ही सादगी उनकी नजर आती है, अक्सर लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों के से सुझाव भी लेते हैं कि किस तरीके से आगे प्रदेश को बढ़ाया जाए, और ये एक बड़ी अच्छी पहल उनकी रहती है हमेशा से ही। और आप तस्वीरों में भी देख रहे, देखिए यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री अदरक वाली चाय जो है वो बनाते नजर आ रहे हैं। जब आप आम जनता के बीच में जाते हैं एक अलग संदेश वहां पर मिलता है, और साथ ही जिस छोटे तबके की हम बात करते हैं कि आखिरकार विकास कैसे हो, वो जब तक आप जमीनी स्तर पर नहीं उतरते, आम जनता से रूबरू नहीं होते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं जानते, तब तक आप प्रदेश के बारे में एक बारीकी से उसके विकास के बारे में नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो उत्तराखंड में बड़ी ही बारीकी से यहां पर विकास कार्य को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आते हैं और अक्सर प्रोटोकॉल एक साइड रखकर वो आम जनता के बीच में जाते हैं। और जिस तरीके से खिलाड़ियों की बात हमेशा से ही करते आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, प्रदेश और देश का नाम रोशन करना है और उसको लेकर बढ़ावा भी उनकी तरफ से दिया जाता है, ऐसे में जब सुबह नैनीताल उनको समय मिला तो वो मैदान में पहुंचे और यहां पर बच्चों के साथ में, चाहे हॉकी की बात की जाए, फुटबॉल की बात की जाए, बास्केटबॉल की बात की जाए, यहां पर खेलते हुए नजर आए और एक प्रोत्साहित करते यहां पर खिलाड़ियों को नजर आए। उनसे बातचीत भी की है कि आखिरकार किस गेम में किसको कौन सी रुचि है और किस तरीके से उस पर काम किया जा सके। इसके साथ चाय यहां पर बनाते नजर आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इतना ही नहीं, सीएम ने अस्पताल भी पहुंचे, मरीजों का हालचाल भी जाना, साथ ही औचक निरीक्षण भी किया कि आखिरकार जिन स्वास्थ्य सेवाओं की बात राज्य सरकार करती है और क्या वो स्वास्थ्य सेवाएं मिल पा रही हैं मरीजों को, इन सबका खासा ध्यान। दूसरी तरफ की अगर बात करें, क्योंकि पर्यटन की अगर बात करें तो उत्तराखंड में पर्यटक आते हैं और उनसे भी बातचीत की है, हालचाल जाना और ये भी जानने की कोशिश की कि कहां से आए हैं, उत्तराखंड आकर कैसा लगा, कितना अलग अगर आप पहले आए हैं और अब के उत्तराखंड में कितना अंतर नजर आया, और साथ ही तमाम बातों का जिक्र यहां पर मुख्यमंत्री ने किया।